आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं, आप गरीब का उपहास कर। देखते रहे पीएम, बगले झांकती रही वित्त मंत्री। खाके वतन, तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। संसद में पिट गई मोदी सरकार की भद। सर कब्र में, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद, सर कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं, उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। जब भरी संसद में हुई मुद्दों की चीरफाड़। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में मोदी सरकार से जब महंगाई पर सवाल पूछे गए तो मोदी सरकार के मंत्री बगले झांकते नजर आए। आम आदमी के आटे दाल चावल पर जब आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने अपने अंदाज में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की बखिया उधेड़नी शुरू की तो संसद में हंगामा मच गया। मनोज झा ने नैनसुख की कहानी सुनाई और मोदी सरकार को आसमान से जमीन पर पटक दिया। खाके वतन, तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे 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 बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइस नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर एक पात्र का नाम है नयन सुख लाल, वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर कैन आई हैव अनइंटरप्टेड, प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं, आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं। जी मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी दो बच्चों के साथ रहता है, सर सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है, 20,000 की तनख्वाह है, 10,000 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10,000 से 12,000 होती है। उसके दो बच्चे हैं सर, अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है, सर काटते जाइएगा 10 में, 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, एक महीना तो लगेगा ही, खाने पे 50 × 2 × 30 3,000 रुपए, स्कूल की फीस दो बच्चे हैं 2,000, आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारी हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। खाने पीने की चीजों पर आजाद भारत में पहली बार टैक्स लगा है, लेकिन पहली बार ही अंतिम संस्कार कराने पर भी टैक्स लग चुका है। कफन पर भी टैक्स का जिक्र कर मनोज झा ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर, पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है, सर कीमतें क्यों नहीं पड़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हमारी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। बार बार मैं देख रहा हूं क्रेडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद, सर कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं,
उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वाप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से होटल हो सकते हैं। मनोज झा ने अग्निवीर जैसी योजना और बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार से तीखे सवाल पूछे। सर मैं उस राज्य से आता हूँ, आज भी मेरा जीरो आवर था, एडजन हो गया। सर मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है, हम सिर्फ श्रम देते रहे और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। बिहार के सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए कोई सुनवाई नहीं। चार साल की नौकरी पे आपने कह दिया, कमाल यह है कि वो चार साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी चार साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए आप आपका सर सर मैं खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला, और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को। सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38-39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने दो चार जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। मनोज झा के बयान पर सत्ता पक्ष ने खूब हल्ला किया, लेकिन वो अपनी बात करते रहे। उनकी इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।